नमस्कार दोस्तों, आपके इस YouTube चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो का पार्ट 3 है। इसके पहले मैंने निमी क्वेश्चन बैंक के बेसिक फिटिंग पर 100 क्वेश्चन का डिस्कशन करा चुके हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक दिया हुआ है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर से 100 क्वेश्चन करा चुके हैं, जो कि आने वाले एग्जाम और कंपिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सब नियमित क्वेश्चन बैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं 101 नंबर से। 101 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए पिनिंग, ऑप्शन नंबर बी ग्लेजिंग, ऑप्शन नंबर सी फाइल वाइट, ऑप्शन नंबर डी वाइपिंग। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पिनिंग होगा, राइट। नेक्स्ट, इस छेनी का क्या नाम है? फिगर बना हुआ है दोस्तों, छेनी का नाम बताना है। ऑप्शन है स्पॉट छेनी, जिसे फ्लैट छेनी कहते हैं, बी है वेब छेनी, सी है क्रॉस कट छेनी, डी है डायमंड पॉइंट छेनी। तो इस छेनी का नाम दोस्तों वेब छेनी है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है? ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन है क्यों दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए प्रभावित चोट बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी किनारे की खुदाई से बचने के लिए, ऑप्शन नंबर सी चोट मरते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन नंबर डी काम की सतह को नुकसान को रोकने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट, किनारे की खुदाई से बचने के लिए उसको उत्तलता बनाया जाता है, थोड़ा कन्वेक्स रहता है। ठीक है, 104 नंबर है, इस हथौड़ा का क्या नाम है? देखिए दोस्तों इस हथौड़ा का नाम बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मैलेट हथौड़ा, ऑप्शन नंबर बी बाल पिन हथौड़ा, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस पिन हथौड़ा, ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेट पिन हथौड़ा। दोस्तों इसका नाम ऑप्शन नंबर सी क्रॉस पिन हथौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट, चिपिंग करते समय छेने के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का क्या नाम है? यदि हम किसी मेटल को छेने द्वारा काटते हैं जिसे चिपिंग कहते हैं, ठीक है, तो बोला है चिपिंग करते समय छेने के अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए रेक कोण दिया है, बी बिंदु कोण, सी क्लियरेंस कोण, डी एंगल ऑफ इंक्लेंस। तो दोस्तों इसका आंसर बताना है आप लोगों को, तो इसका आंसर होगा डी एंगल ऑफ इंक्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट, धातु की वह प्रॉपर्टी का क्या नाम है जो टूटने से पहले कोई अस्थाई विकृति की अनुमति नहीं देती? ऑप्शन नंबर ए टेनेसिटी, ऑप्शन नंबर डी बी हार्डनेस, और ऑप्शन नंबर सी भंगुरता, और ऑप्शन नंबर डी टफनेस। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, वह प्रॉपर्टी बताना है जो टूटने से पहले कोई अस्थाई विकृति की अनुमति नहीं देती है, धातु का प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट है, क्योंकि बोल रहा है अस्थाई विकृति की अनुमति नहीं देती है। ठीक है, क्वेश्चन यही देता है, नहीं देगा तो क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, गहराई माइक्रोमीटर में एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, जिसे डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं दोस्तों, इसको एस जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए कैप, बी लॉक, सी स्टॉक, डी थिम्बल, बताइएगा दोस्तों। तो बी लॉक इज राइट। नेक्स्ट, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्पर किए जाते हैं? ए एनलिंग के लिए, बी फिनिशिंग के लिए, सी स्ट्रेन के लिए, डी क्लिपिंग के लिए। क्यों दिया जाता है दोस्तों, ए एनलिंग के लिए किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम बताना है। ठीक है, 109 नंबर है, ड्रिलिंग मशीन बनाया हुआ है,
इसका दोस्तों इसका नाम बताइएगा क्या है। पीलर ड्रिलिंग मशीन है कि गैंग ड्रिलिंग मशीन है कि बेंच ड्रिलिंग मशीन है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन है, बताइए दोस्तों कौन सा ड्रिलिंग मशीन है। तो इसे कहते हैं पीलर ड्रिलिंग मशीन, ठीक है। नेक्स्ट, इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है, इसकी रीडिंग बताना है 110 नंबर का। ऑप्शन नंबर ए 0.309, ऑप्शन नंबर बी 0.329, ऑप्शन नंबर सी 0.359, ऑप्शन नंबर डी 360.360। दोस्तों बताइएगा इसका रीडिंग क्या होगा। इसका रीडिंग दोस्तों सिंपल है, 110, अरे सॉरी सी नंबर इज राइट, 0.359 इसकी रीडिंग आएगा गणना करने पर, ठीक है। नेक्स्ट, वर्नियर बेबर प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है, ये क्वेश्चन मैंने करा चुके हैं, रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 5 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 5 मिनट, ऑप्शन नंबर डी 5 इंच। तो दोस्तों 11 का बताइएगा, 111 का सी इज राइट आंसर, ठीक है। इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है, ये वर्नियर कैलिपर है इसका रीडिंग बताना है। ऑप्शन नंबर ए 30.20 mm, ऑप्शन नंबर बी 30.40 mm, ऑप्शन नंबर सी 35.20 mm, ऑप्शन नंबर डी 35.50 mm। तो दोस्तों इसका रीडिंग क्या होगा, इसका रीडिंग निकालने पर 35.50 mm आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, क्यों सतह प्लेटो तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्षरण को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर बी टूटने से रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर सी विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर डी थर्मल विस्तार को रोकने के लिए, बताइएगा दोस्तों। विकृति को रोकने के लिए क्या करते हैं, कास्ट आयरन से बनाते हैं, ठीक है, सरफेस जो उसके होता है उसको कास्ट आयरन से बनाते हैं जो कि विकृति को रोकता है, ठीक है। संयोजक समांतर ब्लॉक का मुख्य भाग क्या है। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए, बताइए दोस्तों। जो समांतर ब्लॉक होते हैं उसके मुख्य लाभ क्या होते हैं, विभिन्न ऊंचाई की निर्धारित करने के लिए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्नग, ऑप्शन नंबर बी गाइड पिन, ऑप्शन नंबर सी राकर आर्म, ऑप्शन नंबर डी फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। जो यूनिवर्सल सरफेस गेज में होते हैं उसको सही पोजीशन में सेट करने के लिए, स्क्राइबर जो है उसको सेट करने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों फाइन एडजस्टमेंट यूनिट लगा होता है उससे सेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 116 पाते हैं, एक मीटर को मिलीमीटर में बदलें, एक मीटर को मिलीमीटर बदलने पर क्या आता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 10 mm, ऑप्शन नंबर बी 100 mm, ऑप्शन नंबर सी 1000, ऑप्शन नंबर डी 10000, बताइएगा दोस्तों। एक मिलीमीटर को बदलने पर 1000 mm आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इस बी ब्लॉक का क्या नाम है, ये फिगर है इसका नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन पाते हैं ए वी ग्रुवेट बी ब्लॉक, बी सिंगल लेवल सिंगल ग्रुव बी ब्लॉक, सी डबल लेवल सिंगल ग्रुव बी ब्लॉक, डी सिंगल लेवल डबल ग्रुव बी ब्लॉक, बताइएगा इसका क्या नाम है। इसका सिंगल लेवल सिंगल ग्रुव बी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट,
कमीशन सेट का फिगर बना हुआ है, संयोजक सेट जिसे कहते हैं, संयोजक सेट कमीशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। एक्स जो है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए रूल, बी स्क्राइबर, सी क्लैंप नट, डी स्लिप रीड लेबल, स्प्रिट लेबल। बताइएगा दोस्तों, स्क्राइबर को बताता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? ए नंबर इनसाइड कैलिपर, बी नंबर जेनी कैलिपर, सी नंबर वर्नियर कैलिपर, डी आउटसाइड कैलिपर। तो राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए दोस्तों जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, 120 नंबर, छेनी में ए चिन्हित कोण का नाम बताना है, जिसे अल्फा बीटा गामा, ये अल्फा किसको प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों बताना है। तो रेक एंगल, बी वेज कोण, सी कटिंग एंगल, डी क्लियरेंस कोण। दोस्तों बताइए किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये क्लियरेंस एंगल को प्रदर्शित कर रहा है, डी इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन नंबर बी वेब छेनी, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन नंबर डी हाफ राउंड छेनी। तो हाफ राउंड छेनी का प्रयोग करते हैं घुमावदार ग्रुप्स काटने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन कितना होता है? जो मार्किंग करते समय हथौड़े का वजन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए 200 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी 250 ग्राम, ऑप्शन नंबर सी ऊपर आते हैं 300 ग्राम, ऑप्शन नंबर डी 450 ग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आता रहता है एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फीटर के लिए। तो इसका आंसर बी इज राइट, 250 mm लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। 250 mm के हथौड़ा का प्रयोग करते समय मार्किंग करते समय करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात है, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए असमान फिनिशिंग सतह, ऑप्शन नंबर बी सतह पर खरोच, ऑप्शन नंबर सी सतह पर उतलता, ऑप्शन नंबर डी सतह पर सही फिनिश न होना। तो दोस्तों बताइएगा इसका, असमान फिनिश सतह, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्रूव मेथड ऑफ डायगोनल फाइलिंग? तो असमान फिनिश सतह, कहीं कहीं क्वेश्चन दोस्तों यदि आप लोगों को समझ में नहीं आए हिंदी तो उसको इंग्लिश में देख लीजिएगा कि कितना कितना फर्क होता है थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, वेल्डेड ज्वाइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन नंबर बी वेब छेनी, ऑप्शन नंबर सी क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन नंबर डी हाफ राउंड छेनी। दोस्तों बताइएगा किस छेनी का प्रयोग करते हैं? फ्लैट छेनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो वेल्ड किया हुआ ज्वाइंट होता है कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए फ्लैट छेनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस फाइल का नाम बताना है, कौन सा फाइल है? रोटरी फाइल, टिंकर फाइल, ब्रेड फाइल, क्रॉसिंग फाइल, बताइएगा दोस्तों। इसे कहते हैं रोटरी फाइल, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिगर देख लीजिएगा, ये एग्जाम में आए तो क्या ऑप्शन आना चाहिए, रोटरी फाइल दिमाग में लगा लीजिएगा। और फाइल के फेस चौक क्यों लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी चिप हटाने दर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर सी पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी पेनिट्रेशन और पिनिंग को बढ़ाने के लिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बोला फाइल के फेस पर चौक क्यों लगा जाता है, तो चौक लगाने का उद्देश्य होता है पेनिट्रेशन और पिनिंग को कम करने के लिए, जो चिप्स बाहर निकलते उसे पिनिंग कहते हैं, उसको कम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, और स्मूथ भी हो जाता है जॉब और चिकनाहट अच्छी आती है। 127 नंबर पाते हैं, फाइन चिप
फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? ए मुलायम धातु को काटने के लिए, बी हाई स्पीड स्टील को काटने के लिए, सी हाई कार्बन स्टील को काटने के लिए, डी कंडूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए। तो दोस्तों इसका आंसर डी कंडूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पिच पूछेगा तो उसका अलग मैटर होगा। ठीक है, 128 नंबर, M10 × 1.25 के लिए टैप ड्रिल साइज की गणना करें। अगले वीडियो में मैंने बताया था कि टैप ड्रिल साइज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 8.8 mm, ऑप्शन नंबर बी 8.7 mm, ऑप्शन नंबर सी 8.75, ऑप्शन नंबर डी 8.65। दोस्तों ये गणना करने पर इसका आंसर 8.8 mm आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का क्या नाम है? एक ड्रिल बीट हो उसके फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम बताना है। ठीक है, ए लिप, बी वेब, सी पॉइंट, डी सेंक। तो इसका आंसर दोस्तों वेब कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सेंक, जो चमकीला भाग होता है। ठीक है, 130, इस वन ईयर बेबल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? एक वन ईयर बेबल प्रोटेक्टर का फिगर बना होगा, उसकी रीडिंग बताना है। इसका रीडिंग बताना है दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 30 degrees 30 minutes, ऑप्शन नंबर डी बी 67 degrees 30 minutes, ऑप्शन नंबर सी 157 degrees 30 minutes, ऑप्शन नंबर डी 159 degrees 30 minutes। ये दोस्तों इसको गणना करने पर इसका आंसर 157 degrees 30 minutes आएगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर ए एनविल, ऑप्शन नंबर बी नॉक, ऑप्शन नंबर सी स्पैंडल लॉक, ऑप्शन नंबर डी रेचेट स्टॉप। तो ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी रेचेट स्टॉप। ठीक है, उसमें चट चट की आवाज़ आती है जिससे पता चलता है कि अब प्रेशर नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, ये सुनिश्चित कर लेता है कि अब प्रेशर सही है। ठीक है, 132 पाते हैं, वनियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट है? ऑप्शन नंबर ए जा, बी बेस, सी भीम, डी जॉ क्लैंप। तो जॉ ऑप्शन नंबर ए सही है, वनियर हाइट गेज का कौन सा भाग जो है पार्ट का मुख्य स्लाइड का एक इंटरनल पार्ट होता है, जॉ जो होता है उस वह इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, माइक्रोमीटर के सिद्धांत किस पर काम करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत पूछता है किस पर काम कर रहा है। तो इस ए है स्लाइडिंग, बी है स्क्रू और नट, सी है रैक एंड पिनियन, डी है वर्म और वर्मील। तो दोस्तों बताइएगा, तो इसका आंसर एकदम आसान है, स्क्रू और नट। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। नेक्स्ट, 134, डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए लंबी स्लीव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी लंबी स्पिंडल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी संयोजक बेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी एक्सटेंशन रॉड के एक सेट द्वारा। बताइएगा दोस्तों, यदि हम लोग ज़्यादा डेप्थ माइक्रोमीटर द्वारा रेंज की गहराई ज़्यादा हो जाता है तो क्या लगा कर मापते हैं? तो एक एक्सटेंशन रॉड लगा के उससे मापा जाता है। ठीक है, अलग से, डी इज राइट आंसर। इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? इंच में बताना है। ठीक है, इसकी रीडिंग 135 का ए दिया है 0.789, बी दिया है 0.787, सी दिया है 0.73, डी दिया है 0.715। इसको गणना करने पर 0.787 आएगा, पी इज राइट, आप लोग निकालिएगा।
ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा माइक्रोमीटर में कैसे रीडिंग निकालते हैं। नेक्स्ट, मापने के दौरान बेबल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? ए डायल, बी टिक्स, सी ब्लेड, डी स्टॉप। तो ब्लेड होता है, सी इज राइट आंसर। मापने के दौरान बेबल प्रोट्रैक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह के कांटेक्ट में होता है? जो ब्लेड होता है वो उसके इंक्लाइंड से जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्रिलिंग मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए करते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए फ्लैट पुली, बी जॉकी पुली, सी स्टेप पुली, डी फास्ट एंड लूज पुली। दोस्तों स्टेप पुली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पेडिस्टल ग्राइंडर में एस के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? पेडिस्टल ग्राइंडर का फिगर बना होगा, उसको बताना है एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो टूल स्टेट, आय शील्ड, व्हील गार्ड, ग्राइंडिंग उंगली, बताइएगा दोस्तों किसको प्रदर्शित कर रहा है। ये टूल रेस्ट है, यहीं पर टूल रखते हैं और उसको ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इस फाइल का नाम बताना है, ए हैंड फाइल, बी रफ कट फाइल, सी सिंगल कट फाइल, डी कवर्ड कट फाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे कहते हैं रफ कट फाइल। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वाइस हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? ए स्पेंडल की क्षति, बी कठोर जबड़े की क्षति, सी फिक्स जबड़े की क्षति, डी मूवेबल छबड़े की क्षति। यदि हम वाइस के स्पेंडल को हैंडल को टाइट कर देंगे तो क्या खराब होगा दोस्तों? स्पेंडल की क्षति होगा, स्पेंडल उसका डैमेज हो जाएगा। ठीक है।